अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। वो आंसू बहुत अज़ियतनाक होते हैं जो चुपके से बहकर तकिए में जज़्ब हो जाते हैं। यूं तो पागल थी वो मेरे लिए, मगर साहिब पागलों का क्या भरोसा। ज़िंदगी में कुछ बनना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तेरे बदलने का दुख नहीं है, मैं अपने एतबार पे शर्मिंदा हूँ। हमने समेटे हैं दर्द दुनिया के, और तुमसे एक हम ना संभाले गए। उस खुशी का हिसाब भला कैसे हो, वो जो पूछे जनाब कैसे हो। मायूस हो जाऊं, हो ही नहीं सकता, मेरा यकीन तो मेरा अल्लाह है, यकीन टूट ही नहीं सकता। सब कितनी जल्दी बदल जाता है ना, जिसे मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था वो मेरी एक गलती ही पकड़ के बैठ गया। यारब वो सब्र अता कर, जिसके बाद कभी हौसला ना टूटे। कदर करना सीख लो, कुछ लोग बार बार नहीं मिलते, और मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं। कोई किसी का मुंतज़िर नहीं होता, हम खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं बस। हज़ार तकलीफ़ें हैं मगर सुकून देने वाला रब्बे करीम है। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं। सब्र कीजिए और रब पर छोड़ दीजिए, आपका रब जानता है मुनाफिकों से निमटना। और फजर की नमाज तो अल्लाह पाक से वफा है। मुस्कराहट सब्र की सबसे बड़ी दलील है। बेकार है वो हर ताल्लुक जिसमें एहसास ना हो। और जब दिल बारी हो जाए तो कुरान पाक पढ़ लिया करें, क्योंकि इस कलाम में जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ दर्द दिल की दवा भी मौजूद है। चाय की तरह चाहा था उसे, बिस्किट की तरह डुबो दिया उसने।